नई दिल्ली के एरो सिटी में स्थित पुलम्बन होटल में मिसेस इंडिया वन इन अ मिलियन सौंदर्य प्रतियोगिता 2020 का आयोजन किया गया। एरो सिटी होटल में, जो अपने अनोखे शानदार माहौल के लिए जाना जाता है, सूर्य उदय विजन एंटरटेनमेंट द्वारा संकल्पित और संगठित ये विवाहित महिलाओं के लिए एक समर्पित सबसे अच्छा सौंदर्य प्रतियोगिता में से एक है, ताकि वे अपनी आत्मा, छवि, आत्मविश्वास को बढ़ावा दे सके और अपनी कृपा, शिष्टता, आत्मविश्वास और मौलिकता पर भी जोर दे सके। मिसेस इंडिया वन इन द मिलियन प्लेटिनियम विजेता श्रीमती निधि सिंह कोलकाता से हैं। प्रथम रनर अप श्रीमती दिशा गुप्ता मुंबई से, द्वितीय रनर अप श्रीमती रूपा वर्मा पुणे से, मिसेस इंडिया वन इन द मिलियन क्लासिक विनर क्लासिक विजेता श्रीमती नीतू भट्ट जोधपुर से, प्रथम रनर अप श्रीमती शीतल पावर क्लासिक विजेता श्रीमती नीतू भट्ट जोधपुर से, प्रथम रनर अप श्रीमती शीतल पवार मुंबई से, द्वितीय रनर अप श्रीमती रागनी कुलकर्णी चंडीगढ़ से। अदिति हैज बीन वॉकिंग द लैब फॉर इयर्स व्हेन आई यूज्ड टू कवर फैशन एंड अजय इज द फोटोग्राफर। द फर्स्ट इंप्रेशन दैट यू मेक ऑन समबडी, इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट दैट यू लव योरसेल्फ, दैट यू रिस्पेक्ट योरसेल्फ एंड अनलेस यू लव एंड रिस्पेक्ट योर आई लाइक टू बी इंट्रोड्यूस देमसेल्फ इट शोस दैट दे आर पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट in coming out here, because I know how difficult it is to be on stage to एंड वी वर डूइंग द ज्वेलरी फॉर ऑल ऑफ द पीपल। जो सबसे अच्छी बात मुझे आज ये लगी कि जो भी औरतें या जो भी महिलाएं यहाँ पे आई थी, दे वर ऑल एम्पावर्ड वीमेन, दे वर मिसेस, दे हैड देयर किड्स बैक होम, दे हैड देयर हस्बैंड्स बैक होम, दे वर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नेशन एंड दे वर कमिंग टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। टू लुक एट दैट, इट वॉज सच अ गुड थिंग। ऐसे इतने सैड माहौल में 2020 में, जब कोविड चल रहा है, सब चल रहा है, उसमें भी उन लोगों ने अपना जज्बा दिखाया और इतना दूर आकर उन्होंने सिर्फ ये ज़रूरी समझा कि उनके सपनों को कोई उड़ान मिले। मिसेज इंडिया वन इन ए मिलियन बहुत ही बेहतरीन शो था, बहुत बढ़िया। बड़ा टैलेंट जो है वो हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों से यहाँ आया था और हमें इसे जज करने में बड़ा मज़ा आया, जूरी का मेंबर होने में बड़ा मज़ा आया और बहुत अच्छा टैलेंट जो है वो लेडीज़ ने पेश किया यहाँ रैंप पे। एंड लॉकडाउन के बाद एक इतना अच्छा इवेंट और पूरी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड। बट मेरा आज का जो मकसद है, जिस बात पे हम आए हैं, वो सब्जेक्ट है माँ। अभी जो लेडीज़ आई थी वो माँ है। माँ का मैं आपको मतलब समझाता हूँ कि जब भी लिखा कागज़ पर मैंने माँ का नाम, कलम अदब से बोल उठी, हो गए चारों धाम। माँ का जो दर्जा है वो इतना ऊंचा है कि लोग कहते हैं कि सिंस गॉड कुड नॉट बी एवरीवेयर सो ही क्रिएटेड मदर्स। पर मैं कहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि माँ को बना के खुदा ने कोई जश्न बनाया, बल्कि सच तो ये है कि वो बहुत पछताया। कब उसका छोटा छोटा जादू कोई चुरा के ले गया और वो जान भी ना पाया। माँ का खुदा का काम था मोहब्बत, वो माने कर दी। खुदा का काम था इबादत, वो भी माने कर दी। खुदा का काम था हिफाजत, वो भी माने कर दी। और खुदा का काम था लास्ट में आपकी बरकत, वो भी माने कर दी। देखते देखते उसकी आंखों के सामने कोई और परवरदिगार हो गया, खुदा कुछ न कर पाया और इस तरह से खुदा बेरोजगार हो। शो वॉज ग्रेट, आई मीन दैट वॉज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी, यू नो, टू शोकेस माई ब्यूटी एंड टैलेंट, एंड आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी, यू नो, दैट आई पार्टिसिपेटेड इन दिस शो एंड मेड इट टू द सेकेंड पोजिशन। थैंक यू। उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, मतलब आई जस्ट कैन नॉट एक्सप्रेस इन द वर्ड्स, आई एम सो थैंकफुल फॉर देम, यू नो, बिकॉज समवेयर हम भी, मैं थोड़ा नेगेटिव हो गई थी कोरोना में, यू नो, व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई नॉट, बट द मॉरल सपोर्ट जो उन्होंने दिया है एंड यू नो जो अश्योरेंस दिया एंड मोटिवेट किया, दैट वॉज रियली ग्रेट, एंड फॉर दैट आई थैंक मिस्टर प्रशांत दीक्षित। आई थिंक टाइटल जीत के सबको ही खुशी होती है और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है,
जैसे बताया कि कोरोना के टाइम पे हम लोगों को यहाँ पे बुलाना, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइज़ करना, ये सारी बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ें उन्होंने इतनी आसानी से की, और हम सब शुक्रगुजार हैं कि हम लोगों को यहाँ पे बुलाया और इतना अच्छा हम लोगों को उन्होंने संभाला और आगे करने का मोटिवेशन और मिलता है। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आज जीती हूँ, और मुझे अपने फैमिली और अपने टीम और मिलेनियम टीम को मेरी तरफ से बहुत बड़ा ग्रेटिट्यूड है। थैंक यू सो मच। चाहूँगी आने वाली गर्ल्स को ये बताना कि अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करने के लिए देर इज़ नो एज लिमिट, यू कैन ऑलवेज फुलफ़िल योर ड्रीम, देर इज़ नो एज बार, नो, बिकॉज वन शुड नेवर लिमिट देयर चैलेंजेस, वन शुड ऑलवेज चैलेंज द लिमिट्स, सो यू शुड कम आउट ऑफ योर लिमिट्स एंड डू योर व्हाट यू वांट टू डू एज योर ड्रीम एंड लिव योर ड्रीम फुली। आई मीन इट इज़ रियली प्रिविलेज। आप देखेंगे जैसे बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड टाइम था अभी कुछ टाइम पहले, दैट पीपल आर डाइंग ऑफ कोरोना एंड बहुत सारी सिचुएशंस थी इस तरह की, उस सिचुएशन के बाद आकर के इतनी पॉजिटिविटी के साथ इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करना वॉज अ वेरी बोल्ड स्टेप, एंड आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट ऑल द पार्टिसिपेंट्स, दे हैव डन ट्रिमेंडसली वेल, क्योंकि कोरोना के बाद जो नेगेटिविटी है उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना, एंड दिस होल इवेंट इज़ फॉर द एंटायर वुमनहुड बिकॉज दे आर शोइंग द वुमन एम्पावरमेंट. That means in the next time to come, the things will be more positive or बहुत अच्छा हो जाएगा आगे चल। Darling friend of mine, लेकिन but ये जो आपने कहा कि आज के लिए हर औरत एक winner है, वो हर औरत एक तो corona के बाद भी doing a lot, ये इतना achieve करना, अगर मैं जाने sudden से इतना बड़ा event organize करना, it's a hats off for organizer, और मेरे लिए सब every मॉडल मेरे लिए सब winner है। कि मैं organizers को बहुत ज़्यादा congratulate करूँगा क्योंकि उन्होंने COVID-19 time पे सबसे पहले एक करेज दिखाया है, डिटर्मिनेशन दिखाया है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर के साथ प्रॉपर प्रोटोकॉल्स के साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, हेल्थ केयर, स्टेट एंड सेंट्रल गाइडलाइंस को तहत रखते हुए उन्होंने इवेंट